पहली वीडियो आएगी चिकन कढ़ाई की कुकिंग की। अभी तक आप बच्चों की तो देख चुके हैं, आज आप हमारे किचन की चिकन कढ़ाई भी ट्राई करें, देखें आप सबको अच्छी लगेगी। चिकन कढ़ाई के लिए हमें चाहिए टोमेटो, बीच में से हाफ कर लिया हमने। जूलियन कटिंग में हमारे पास अदरक है, हरी मिर्ची, काली मिर्च, अदरक लहसुन, नमक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिकन। ऑयल गरम करेंगे, ऑयल गरम करने के साथ ही मैं इसमें पहले डाल दूंगी नमक। अब चिकन चिकन को हम इसमें जो है गोल्डन कर देंगे। चिकन का कलर भी अच्छी है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन, शराबे के साथ पकाई हमारी चिकन कढ़ाई। अदरक लहसुन डालने के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, टमाटर इसमें आप इस तरह से रखना। ये गए इसमें टमाटर, अब हम इसे कर देंगे कवर। अब हम 10 मिनट बाद देखेंगे अपनी टमाटर जब तक थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। चेक करते हैं, अब टमाटर सॉफ्ट हो गए होंगे हमारे। इसी तरह से सब पीस के लगाएंगे, पीस के हम ग्रोथ कर चुके हैं, थोड़ी सी आँच तेज कर देंगे, अपनी फ्लेम बढ़ाएंगे और इसे अच्छा सा रोके। अभी तक इसमें कोई मसाले नहीं गए, सिर्फ नमक और अदरक लहसुन गया। जो टमाटर इस तरह से साबित आएंगे उन्हें हम इस तरह से इसे यहाँ भूनते वक्त अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक, क्योंकि बाकी अदरक जो है हम डेकोरेशन में भी यूज़ करेंगे। हरी मिर्चें, और इसे फिर से भूनेंगे। जब टमाटर हमारे अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आप खाते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें काली मिर्च डालिए। फिर इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ये हमारी चिकन भून गई है, लेकिन अभी थोड़ी और भूनेंगे क्योंकि अभी इसका ऑयल ऊपर नहीं आया है। जैसे इसका ऑयल आ जाएगा तो हमारी चिकन हो जाएगी डन। ये हमारी कढ़ाई ने जो ऑयल छोड़ दिया है और इसके साथ ही हमारी कढ़ाई जो है वो गई है रेडी। इसमें इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए अदरक। हरी मिर्च और ये हमारी चिकन कढ़ाई एब्सोल्यूट रेडी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अप्पू की दुनिया को।